चौंकाने वाली खबरें आएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री को लेकर के कर दिया गया है। भजन लाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम के तौर पर दो डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान भी बीजेपी ने किया है। शपथ ग्रहण जल्द होगा और उसमें कैबिनेट और तमाम मंत्रिमंडल के जो नाम है वो भी अब सामने आ जाएंगे। इसे लेकर के कसरत लगातार बीजेपी के खेमे में इस वक्त चल रही है, मंथन चल रहा है। तमाम बड़े नेता इस ऐलान के बाद राज्यपाल के पास पहुंचे। राजभवन पहुंच करके उन्होंने कलराज मिश्र से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये काफिला वापस से निकल चुका है। सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाला वो नाम भजनलाल शर्मा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने लाया गया और यह माना जा रहा है कि इसके संकेत दिल्ली ने पहले से ही दे दिए थे। जब भरतपुर में सभा के दौरान अमित शाह ने इसे लेकर के संकेत दिए थे तो साथ ही साथ संगनेर से जब उन्हें चुनाव लड़वाया गया उसे लेकर के भी चर्चाएं लगातार थी। आपको बता दें कि साधारण से कार्यकर्ता जो संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लगातार संगठन में काम किया है, जिला अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया उन्होंने भरतपुर में मोर्चा के तौर पर, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अब बड़ी बातें क्या हैं उन पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमान भजनलाल शर्मा को सौंपी गई है। एक साधारण से कार्यकर्ता जो लगातार संगठन में काम करते रहे, लंबा अनुभव रहा, सांगानेर से उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार उन्हें चुनाव लड़वाने के बाद में उनकी जीत हुई और इस जीत के बाद से ही लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। लंबी चर्चाओं के बाद, मंथन के बाद और तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच में इंतजार खत्म हो गया और नाम का ऐलान भजनलाल शर्मा पहली दफा विधायक बने, उन्हें सीएम बनाया गया। एक अरसे बाद राजस्थान को ब्राह्मण सीएम मिला है। बीजेपी ने ब्राह्मण, राजपूत और दलित पर यहां पर दांव खेला है। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। दिया कुमारी उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर और प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी सीएम के तौर पर एक दलित चेहरे के तौर पर उतारे गए हैं। यानी कि ये तीन जो नाम हैं तीनों जयपुर जिले की सीटों से चुनकर के आए हैं। ये खास बात, अजमेर के वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है, एक लंबा अनुभव है वासुदेव देवनानी को भी विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर, और अब सदन चलाएंगे वासुदेव देवनानी। आज की सबसे महत्वपूर्ण बातें देखिए कि किस तरीके से एक अरसे बाद प्रदेश को ब्राह्मण सीएम मिला है भजनलाल शर्मा के तौर पर। भजनलाल शर्मा एक साधारण से कार्यकर्ता, लगातार संगठन में काम करने का उनको अनुभव और इसके साथ साथ सांगानेर से पहली बार विधायक बने और अब उन्हें सीएम का मौका दिया गया है। सीएम के तौर पर उनका नाम फाइनल हुआ है। अजमेर के वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है, वो चलेगा। पूरा जातिगत संतुलन जो है वो बिठाया गया है। सब अब पूरी तरह से पार्टी के भीतर भी राजी हैं। एक नाम और उस नाम पर सबकी सहमति, उसके बाद में बाकायदा नाम का ऐलान। दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी राजपूत चेहरे के तौर पर और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे दलित चेहरे के तौर पर, पीएचडी हैं और तीनों ही जो नाम हैं वो उच्च शिक्षित हैं। खुद भजनलाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दिया कुमारी ग्रेजुएट हैं और साथ ही साथ जो प्रेमचंद बैरवा हैं वे पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। तो इस लिहाज से प्रदेश की कमान जिन तीन हाथों के अंदर रहेगी वे उच्च शिक्षित हैं, संगठन से आते हैं, साथ ही साथ जनता के साथ उनका लगातार जुड़ाव रहा। भजनलाल शर्मा संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से काम करते रहे, चाहे वो भरतपुर में, भरतपुर की पृष्ठभूमि से आते हैं तो भरतपुर में भी उन्होंने काम किया और साथ ही साथ महामंत्री के तौर पर प्रदेश संगठन में लगातार उनको काम करने का लंबा अनुभव है। तीन प्रदेशाध्यक्षों के साथ उन्होंने महामंत्री के तौर पर काम किया, तो एक लंबी संगठन की पारी उन्होंने खेली है। अब वे प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे, आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है और अब वे प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे। यानी कि यूं कहें कि डबल इंजन की सरकार जब राजस्थान में बनी है तो राजस्थान में उस सरकार का चेहरा होंगे भजनलाल शर्मा। न्यूज 18 राजस्थान ने भजनलाल शर्मा को लेकर के कहा था। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर फिर से मुहर लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक दिन पहले ही हमने बता दिया था कि आखिरकार राजस्थान के सीएम कौन होंगे, भजनलाल शर्मा के नाम को लेकर के खुलासा किया था। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर फिर से मुहर लगी है। हमने कहा था सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे और इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान ने
भजनलाल शर्मा के सीएम बनने को लेकर के पहले ही बता दिया था और आज न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है। यह सबसे बड़ी अपडेट है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दर्शकों की लगातार जो प्यार मिला है, चाहे वो टीवी पर और फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पर भी, लगातार न्यूज 18 राजस्थान को सबसे ज्यादा लोग इसीलिए लगातार देखते रहे क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज 18 और साथ ही साथ न्यूज 18 की जो खबर है उस पर प्रामाणिकता पर मोहर लगी है कि न्यूज 18 ने पहले ही ये बता दिया था अपने दर्शकों को कि सांगानेर से विधायक बने भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे और इस लिहाज से न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। न्यूज 18 राजस्थान ने कहा था कि सामान्य वर्ग से इस बार सीएम का चेहरा होगा तो ब्राह्मण वर्ग से मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबके सामने रख दिया गया है और अब कवायद है इस सरकार में कैबिनेट के गठन की, शपथ ग्रहण समारोह की, जिस पर लगातार मंथन हो रहा है। आखिरकार कौन कौन मंत्री बनेंगे, किस लिहाज से बनेंगे, किन किन क्षेत्रों से बनाया जाएगा, कैसे जातिगत समीकरण उसमें बिठाए जाएंगे, कैसे उसमें राजनीतिक धरातल के जो समीकरण है वो बिठाए जाएंगे, उस पर लगातार अब मंथन की बारी है क्योंकि अब कैबिनेट सबके सामने होगी, उस पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर फिर से मोहर लगी है। एक दिन पहले ही हमने बताया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, राजस्थान की बागडोर किसके हाथ में होगी। हमने बताया था कि सामान्य वर्ग से इस बार मुख्यमंत्री होगा और हुआ भी यही। एक अरसे बाद एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगी है। चर्चा ये चल रही है कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक आदिवासी को बनाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी से बनाया, तो क्या राजस्थान में सामान्य वर्ग से सीएम हो सकता है क्या? एक मैं जानकारियां देना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले रिजल्ट्स के बाद में सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने जयपुर के एक सामान्य सीट से जो विधायक हैं उनसे मुलाकात की थी अलग, वो बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मुलाकात थी। तो उसको लेकर के ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि क्या उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो सांगानेर से चुनकर आए विधायक भजनलाल शर्मा, जिनको संगठन का लंबा अनुभव, महामंत्री के तौर पर तीन तीन प्रदेशाध्यक्षों के साथ वे लगातार काम करते रहे, संगठन की जिम्मेदारी संभालते रहे और आखिरकार उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के और इसे लेकर के शपथ ग्रहण कब होगा, अब इस पर सबकी नजरें हैं क्योंकि भजनलाल शर्मा, उनके साथ दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, दो डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे दो उनको लेकर के, और तीनों और उनके साथ में खुद राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, तमाम जो नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो राजभवन पहुंचे थे कुछ ही देर पहले। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राजभवन से जो भी तारीख मिलेगी उस तारीख को जो है उस तारीख को शपथ ग्रहण होगा। और इसी बीच हम आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट यह है कि न्यूज 18 राजस्थान ने आपको पहले ही बता दिया था आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और आखिर न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लगी। ये वो चेहरे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो चेहरे जिन पर मोहर लगाई है संगठन ने, ये वो चेहरे हैं आपको बता दें जिन पर अब जो जिम्मेदारी होगी राजस्थान की सरकार चलाने की, जिनमें भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, एक सामान्य से कार्यकर्ता को जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी करती है, यहां भी यही हुआ, चौंकाने वाला फैसला। और जब ग्रुप फोटो हो रहा था भजनलाल शर्मा जो है चौथी पंक्ति में खड़े थे। और इसी बीच सबसे बड़ी बातें सीएम का ऐलान होने के साथ ही पूरा एनालिसिस आप न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए। पहली दफा विधायक बने भजनलाल शर्मा और अब मुख्यमंत्री होंगे, 33 साल बाद राजस्थान को ब्राह्मण चेहरा मिला है मुख्यमंत्री के तौर पर। बीजेपी ने ब्राह्मण, राजपूत, दलित पर दांव चला है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है। प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिया कुमारी भी डिप्टी सीएम होंगी। तो इस लिहाज से इस वक्त ये 10 बड़ी बातें देखिए। अजमेर के वासुदेव देवनानी लगातार विधायक भी रहे और साथ ही साथ मंत्रिमंडल में भी मंत्री भी रहे और लंबा अनुभव सरकार का, संगठन का उनको है। वासुदेव देवनानी को वे विधानसभा अध्यक्ष होंगे, यानी कि विधानसभा की जिम्मेदारी वासुदेव देवनानी के कंधों पर होगी। तो सरकार की जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा और उनके साथ दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इस लिहाज से ये चार चेहरे राजस्थान के
जिन पर से आज पर्दा हट गया है। लगातार चर्चाएं थी आखिर कौन होंगे वो चेहरे जो राजस्थान की सरकार को चलाएंगे। तो आप ये 10 बड़ी बात